ओलंपिक्स 2024 में भारत का सफर बेहद शानदार रहा। शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई और ये बढ़िया शुरुआत हमें शूटिंग से मिली। शूटिंग के बाद हमें अगला मेडल हॉकी ने दिलाया। हॉकी के बाद मेडल हमें मिला ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, और उसके बाद जो मेडल का सिलसिला है उसको आगे ले गए हमारे रेसलर्स। जी हाँ, कुल 6 मेडल इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मिले हैं, और अगर पिछले बार के ओलंपिक्स से तुलना की जाए तो बहुत सारे नए रिकॉर्ड बने हैं। बहुत सा सूखा जो पिछले ओलंपिक्स में देखने को मिला था वो सूखा खत्म हुआ है। हालांकि कुछ मेडल्स की उम्मीद, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हम खिलाड़ियों से कर रहे थे। प्रदर्शन तो सभी ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन माना यह जा रहा था कि खिलाड़ियों का शायद दिन अच्छा नहीं था, या वो दिन जिस दिन खिलाड़ी अपना फाइनल मुकाबला खेल रहे थे वो किसी और के फेवर में था। बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अब जी जान लगाई लेकिन फोर्थ पोजीशन पर एंड हुए। लेकिन इससे सफर खत्म नहीं होता है। ये चौथी पोजीशन ये बताती है कि अगली बार जब ये खिलाड़ी पेरिस के बाद जो अगला ओलंपिक्स एलए में होने वाला है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो और शानदार और बेहतर प्रदर्शन इनकी तरफ से होगा, और जिस एक पॉइंट, एक किलो या कुछ सेकेंड्स की वजह से ये चूक गए हैं वो कमी भी पूरी की जाएगी। सबसे पहले मेडल्स की बात कर लेते हैं। टैली में अगर भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत हालांकि नीचे पायदान पर है पिछली बार से, लेकिन बहुत सारे कीर्तिमान इस बार भारत ने हासिल किए हैं। 6 मेडल कुल भारत की झोली में अब तक आए हैं, जिनमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सिल्वर मेडल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दिलाया। हालांकि इस बार वो गोल्डन थ्रो नहीं कर पाए, लेकिन जो थ्रो उनकी तरफ से किया गया वो सीजन का बेस्ट थ्रो था। हालांकि पर्सनल बेस्ट नीरज का इससे ज़्यादा है, लेकिन सीजन का बेस्ट उन्होंने दिया। और जब नीरज से हमने बात की कि जब पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं नदीम, उन्होंने गोल्डन थ्रो किया, वो थ्रो किया जिसने ये डिसाइड कर दिया कि ये नंबर वन पोजीशन वाला थ्रो है, ये गोल्डन थ्रो है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो नीरज ने कहा कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं आराम से 90 पार करूंगा। और मैं नीरज को पीछे, जिस तरह से नीरज ने कहा कि उनका जो प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन की बदौलत मैं नदीम को पीछे कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी इंजरीज मुझे थी, खासकर ग्रोइन की इंजरी थी, इसके अलावा लेग में दूसरी जगहों पर इंजरी थी। उन इंजरी पर मेरा 30-40% फोकस चला गया कि थ्रो करते वक्त मैं ज़्यादा अपनी इंजरी को और बढ़ा ना लूँ। और अक्सर जब किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है तो वो फ्री माइंड से थ्रो नहीं कर पाता है, फ्री माइंड से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, और यही खामियाजा नीरज के मुताबिक उनको भुगतना पड़ा। लेकिन बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड उन्होंने अपनी बातों से दर्शाया। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने इंजरी के बावजूद जो थ्रो किया वो अच्छा था। और अगर आप उनका थ्रो देखेंगे 89 प्लस का, इंजरी के बावजूद वो बहुत अच्छा थ्रो था। पहला थ्रो डिस्क्वालीफाई हुआ, फाउल हुआ। दूसरा थ्रो जो नीरज की तरफ से किया गया था वो 89 प्लस का था। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्योंकि पूरे 6 मौके मिलते हैं तो वो सब फाउल हुए, और फाउल का कारण उन्होंने बताया। सोचिए अगर फाउल नहीं होते, रनिंग लेंथ ट्रैक में नीरज को अच्छी मिलती तो जाहिर सी बात है उनका प्रदर्शन और बेहतर होता। और जब दिमाग में आपको ये कॉन्फिडेंस हो ना कि मैं 90 क्रॉस कर लूँगा या जो मेरे ओपोनेंट ने बेस्ट फेंका है मैं वो क्रॉस कर लूँगा, तो वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ इशारा करता है, वो एक मजबूत डिटर्मिनेशन और दृढ़ इच्छा शक्ति की तरफ इशारा करता है कि आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितने पॉजिटिव हैं और कितने अफर्मेटिव हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर वन कहेंगे तो गलत नहीं होगा, टोक्यो में गोल्ड मेडल, पेरिस में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, इस वक्त इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद, डोप टेस्ट के बाद, इतनी मेहनत के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं। देर रात हो चुकी है पेरिस में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस इंटरव्यू के लिए हमको। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस सिल्वर मेडल, गोल्ड और सिल्वर, लगातार दो मेडल्स के बारे में, ये जो आपने बैक टू बैक कमाल किया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा रहा है जी। सबसे पहले तो मतलब जो टोक्यो में अपना गोल्ड आया था तो ऐसा पहली बार ऐसी फीलिंग थी, और एक जो ड्रीम था कि भाई हाँ ओलंपिक जैसी जगह पे गोल्ड जीतना है या मेडल लेके आना है, तो वो टोक्यो में पूरा हुआ था। जर्नी कंटिन्यू रही, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप, डायमंड लीग, एशियन गेम्स, काफ़ी कुछ खेला। फाइनली अभी वो मौका था कि अपना टाइटल डिफेंड करने का, और जिस तरीके से क्वालिफिकेशन राउंड में भी थ्रो थी और फाइनल में भी जो जिस तरीके से एफर्ट थे, तो वही है कि कुछ चीज़ें थी जो शायद से रुकावट थी, जैसे एक इंजरी है वो कुछ ना कहीं रुकावट थी, लेकिन फिर भी जो डिस्टेंस निकला है
वो ठीक है। और पर्सनली मुझे वही था, सेकंड थ्रो में ऐसा फील हो रहा था कि हाँ आज जो है काफ़ी अच्छी थ्रो निकल सकती है, और शायद से बहुत जो एक 90 मीटर की काफ़ी वो बात होती थी, तो आज मतलब जो कंपटीशन का वो टाइम चल रहा था उस टाइम दिमाग में थी, पर वो भी नहीं हो पाया। तो अभी वही है, अभी ये चीज़ दिमाग में रहेगी, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको वो चीज़ ध्यान रहे कि काफ़ी हो गया है, अभी वो टाइम है कुछ चेंजेस करने का, या क्या चीज़ है जो इम्प्रूव कर सकती है, तो उन चीज़ों पे काम करेंगे और अपनी टीम के साथ बैठ के बात करेंगे कि क्या हो सकता है और अच्छा। तो बिल्कुल नीरज, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात, मज़ेदार बात ये थी कि मुकाबला पैरिस में था लेकिन मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया, और सबसे बड़े राइवल कभी उससे हारे नहीं। पहली चीज़ उससे हारने से क्या थोड़ी सी चुभन हो रही है, और ये भारत बनाम पाकिस्तान हो गया, ये भी बड़ा दिलचस्प। नहीं देखो क्या है कि वही जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अरशद और मेरे बीच में 2016 से कंपटीशन हो रहा है, तो आज अरशद जीता है, पहली बार ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये हमको स्पोर्ट्स में ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आज शायद अपना दिन नहीं था, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं और मेहनत करते हैं, काफ़ी इंजरीज आती है, जो भी है आज शायद अपना दिन नहीं था, और उनको मौका मिला आज खुशी जाहिर करने का, तो ठीक है। मतलब ये स्पोर्ट्स लाइफ है, जो भी है, कुछ सालों तक है, बिल्कुल, तो ये चलता रहेगा, आगे आने वाले टाइम में फिर ऐसा मौका मिलेगा कि हम साथ में कम्पीट करेंगे और फिर आपस में टक्कर होगी, तो ये तो चलता रहेगा, और तैयारी अच्छी होगी, अपना दिन होगा या कभी उनका दिन होगा, बिल्कुल, या किसी और एथलीट का दिन होगा, तो वही है कि अब यहाँ पे कंपटीशन भी इतना टफ था और सभी कंट्रीज थी ऐसा, मतलब इंडिया पाकिस्तान तो ये ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि वो मेडल ऐसे इस तरीके से हो गए, लेकिन कंपटीशन ऑल पूरा देखें तो काफी तगड़ा कंपटीशन था, और अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जेलन का वन ऑफ द लाख। आखिरी सवाल, 92.97 देखने के बाद दिमाग में क्या आया उस समय कि ये इतना लंबा फेंक दिया है, एक तरह से जैसे आप हाथ उठाते उसी तरह से नदीम ने भी हाथ उठाया जैसे गोल्ड मेडल, तो वहाँ से वो जंग शुरू हो गई थी, तो दिमाग में उस समय क्या आया आपके नीरज? कुछ उधर के किसी थ्रोअर ने बोला था कि कंपटीशन इज फिनिश ऑलरेडी, पर मेरे दिमाग में बात नहीं थी, मैंने मना किया, और वही है जैसा कि मैंने बताया था कि यार भले ही मैंने 90 मीटर नहीं की, लेकिन एक बिलीव था कि हाँ ये थ्रो हो जाएगी, और जेवलिन का ऐसा है कि आप 88-89 मीटर कर रहे हो, 3-4 मीटर कभी भी निकल सकती है अगर सही लाइन में लगे तो जी। अभी वो जो हिट है सही लाइन में नहीं हो रही, अरशद की बहुत अच्छी लाइन में थ्रो हो रही है, इसलिए बहुत अच्छी थ्रो निकली। मेरी बहुत ही पावर है जो वेस्ट हो जाती है जब मैं थ्रो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जेवलिन का जो जहाँ पे सही जगह पे पावर लगनी चाहिए वहाँ पे नहीं लग पा रही, तो वो चीज़ अगर जब भी लगेगी तो वो थ्रो निकल जाएगी, और मुझे अपने ऊपर ऐसे सेकंड थ्रो में वो जोश आया और एक बिलीव आया और फाइटिंग स्पिरिट आई कि हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल। और फिर भी जो जिस तरीके से बॉडी कंडीशंस थी और दिक्कतें चल रही है उसके बाद भी जो थ्रो थी सीजन बेस्ट वो भी काफ़ी सही निकली है, और बाकी थ्रो फाउल रही, रनवे में काफ़ी दिक्कत रही, मैंने चेंज भी किया बीच में, लेकिन पर यही है कि आगे कंपटीशन फिर मिलेंगे। बिल्कुल, कंपटीशन इज नॉट ओवर, कंपटीशन हैज जस्ट स्टार्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, और हमें मालूम है कि आपका दबदबा जो है पूरी दुनिया में कायम रहेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा मेडल्स लगातार नीरज हमें जिताते रहेंगे। थैंक यू। नीरज ने ट्रैक एंड फील्ड में एक बार फिर से 2020 के बाद भारत को मेडल दिलाया, मेडल सिल्वर था, और उसी शाम नीरज से पहले जो मेडल भारत की झोली में आया, जो मेडल बहुत लोगों के लिए खुशियां लेकर आया, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिली होगी तो वो पीआर श्रुजेश हैं, इंडिया की हॉकी टीम के गोलकीपर, सबसे अनुभवी खिलाड़ी, चौथा ओलंपिक्स वो अपना खेल रहे थे, और इसके साथ ही उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि ये उनका चौथा और आखिरी ओलंपिक्स होगा, यानी कि इस ओलंपिक्स के बाद वो रिटायरमेंट लेंगे, और वो रिटायरमेंट इतना बेहतर होगा ये पीआर श्रुजेश को, उनकी पूरी टीम को बिल्कुल उम्मीद थी, और कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, उसी उम्मीद, बेहतर प्रदर्शन, शानदार टीम वर्क के बदौलत भारत की हॉकी टीम ने बैक टू बैक दूसरे ओलंपिक्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई और ब्रॉन्ज मेडल अपनी झोली में लिया, स्पेन की टीम को
हराकर जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और जो टीम के कोच भी हैं क्रैग फुल्टन, उनकी जो रणनीति रही है आपने देखा होगा कि टीम बड़ा डिफेंसिव होकर खेल रही थी और इसी रणनीति के साथ क्रैग फुल्टन पूरी टीम को आगे लेकर चल रहे थे, उसका फ़ायदा देखने को मिला। हालांकि टीम के सिलेक्शन को लेकर, टीम में खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर क्रैग फुल्टन को तमाम तरह के सवालों का ज़रूर सामना करना पड़ा, लेकिन जब टीम जीतती है, टीम के जॉइंट कंबाइंड एफर्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वो उन सारे सवालों पर विराम लगा देते हैं। ये जो टीम हॉकी की ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने गई थी, जो ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर लाई, उसका अगर आप मिश्रण देखें तो यहाँ अनुभव भी था और युवा खिलाड़ी भी थे, और किस तरह से मिश्रित अनुभवी और युवा खिलाड़ियों ने भारत की परफॉर्मेंस को अच्छा किया और परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही कि भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल आया, वो भी कंसेक्यूटिव बैक टू बैक सेकेंड टाइम। श्रीजेश श्रीजेश श्रीजेश, ये नाम ऐसा गूंजता है स्टेडियम में क्योंकि ये भरोसे का प्रतीक है, एक सिंबल ऑफ है ना, वो है कॉन्फिडेंस है, और वो नाम अब हमारे इंडियन हॉकी में आगे नहीं सुना देगा क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी ओलंपिक्स है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, लगातार बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल लिया दो ओलंपिक्स में, कितनी बड़ी बात है सुजेश, कितने खुश हो इस अचीवमेंट से टीम इंडिया के? सबसे पहले देख, हमने एक नया शुरुआत किया है, जब इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक जाता है अभी लोग बोले गए हेलो यार ये टीम ने एक मेडल लेके आएगा, तो मेरे हिसाब से वही काफ़ी है क्योंकि मेरा रास्ता कैसे रहा, मैंने क्या किस चीज़ों में से गुजरा हूँ, ये सब चीज़ों का इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो यंगस्टर्स है वो लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे यार इंडियन हॉकी टीम में खेलना है तो आपको जीतना है, तो जीतना है तो हार्ड वर्क करना है। बिल्कुल, 1968 और 72 के बाद बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल, और बैक टू बैक मेडल लेना बहुत बड़ी बात होती है, ये दिखाता है कि आपकी हॉकी बहुत हेल्दी है। सुजेश, आप सीनियर प्रो हैं इस टीम के, कई सालों से खेल रहे हैं, 12-15 साल आपको हो गए यहाँ पर हॉकी टीम में खेलते हुए, इस टीम की सक्सेस सीक्रेट क्या, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, क्या स्ट्रेंथ? भरोसा, किसने को अपने ऊपर भरोसा है, ओके, जो हम लोगों ने हार्डवर्क किया उसके ऊपर भरोसा, जो हमारा प्रोसेस है उसके ऊपर भरोसा, जो सिस्टम है हम उसके ऊपर भरोसा, जो एक दूसरे का भरोसा करता ना तो हमेशा वो फाइट करते हैं, गिव अप कभी नहीं करते हैं एक दूसरे के लिए। तो मेरे हिसाब से जो अमित रोहिदास को कार मिला, किसी ने कुछ कंप्लेन नहीं किया, सब ने अपना बेस्ट दिया, फाइट बैक किया, टीम को सेमी पहुंचा दिया, वहाँ पे फिर 15 लोगों से हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं हूँ एक सेमीफाइनल 15 लोगों से खेलने इसी होते हैं, बट स्टिल मेरे हिसाब से तो जो टीम उसका जो टीम के अंदर जो ट्रस्ट था उसी हिसाब से हम लोगों ने जीता। हाँ, लेकिन थोड़े से आप डिस्टर्ब हो गए बीच में क्योंकि मैं ये पूछ रहा था, आखिरी के दो सवाल हैं यहाँ पर, सेमीफाइनल में हार कितना बड़ा झटका था, उसका कमबैक कितना मुश्किल था? देखा, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, सेमीफाइनल्स के बाद हमेशा यही होता रहता है कि हार जीत होता है, बट सेमीफाइनल ऐसी जगह है वहाँ पे आपको एक मेडल अश्योर है जी, तो आपको बैठे रोना है या मेडल जीतने के लिए प्रिपेयर होना है, तो हमारा टीम ने यही सोचा कि चलो अगर हम लोग अपना बेस्ट देना है और अपना टीम को एक मेडल लेके वापस जाना है, तो मैक्सिमम 24 आवर्स है आपके पास जो गलती को सुधारने के लिए, गलती को रियलाइज करने के लिए और उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंड नेक्स्ट मैच के लिए प्लान बनाने के लिए, तो मेरे सबसे टीम ने वंडरफुल चीज़ किया है, वेल प्रिपेयर किया और आज लास्ट मिनट तक फाइट किया। दिल को बड़ा चुभ रहा है सुजेश का ये आखिरी ओलंपिक, आखिरी मैच हमने इनको एक्शन में देखा। सुजेश, आपने कहा आप गोलकीपर से गोल पोस्ट से हमेशा बात करते रहते थे, तो फेयरवेल मैसेज गोल पोस्ट को क्या था और गोल पोस्ट ने क्या कहा? विल मिस यू, आई लव यू सुजेश, कुछ गोल पोस्ट ने कहा कुछ आया? नहीं, एक फिल्मी डायलॉग जैसा है। गोल पोस्ट ने पूछा कब मिलोगे, मैंने बोला पता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, लेकिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। होपफुली सुजेश एक इतना बड़ा गोलकीपर है, इनकी जगह आप कौन रिप्लेस करेगा, कैसे होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, जश्न मनाए और फिलहाल सेलिब्रेट करने का टाइम है इंडिया का बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में हॉकी में। इसके बाद उस खेल की बात करते हैं जिसने लगातार भारत को मेडल दिलाया है, साल 2008 से लगातार ये ऐसा खेल है जिसमें भारत को हर ओलंपिक्स में मेडल मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुश्ती की, रेसलिंग की। रेसलिंग में अमन सेरावत ने जैसे ही ब्रॉन्ज मेडल मैच जीता, पोर्टो रिको के खिलाड़ी को हराया, रेसलिंग का ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम रहा और
अमन का जिस तरह से हमने क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में प्रदर्शन देखा, उसे देखकर लग रहा था कि अमन जो है भारत की झोली में एक मेडल ज़रूर लाएंगे। अगर पहले मैच और दूसरे मैच यानी कि राउंड ऑफ 16 और राउंड ऑफ 8 की बात करूं तो बहुत ही शानदार और डोमिनेटिंग अमन का मैच रहा। दोनों ही मैचेस उन्होंने टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से जीते, वो भी अपने से लगभग 10 साल बड़े खिलाड़ियों से, और वो भी तब जब अमन पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी में मेडल जीतने वाले अमन भारत के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 21 साल की उम्र में ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुके हैं अमन सहरावत। लेकिन जब उनका सेमीफाइनल मैच जापान के काउंटर पार्ट से हुआ तब भी हम यही उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह का उनका क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रहा है जिसमें हमने अमन की डोमिनेंस देखी, उसी तरह की डोमिनेंस देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा उलट हुआ, जापानीज खिलाड़ी ने अमन को हराया और यही कारण है कि अमन फाइनल में ना पहुंच के ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने के लिए पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी उस सेमीफाइनल की हार का बदला लिया और पुर्तो रिको के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में डाला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमन के लिए, और क्योंकि अभी अमन सिर्फ 21 साल के हैं, युवा खिलाड़ी हैं, तो उनके पास बहुत वक्त है भारत को आगे ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने का, चाहे वो आने वाला 2028 का एलए का ओलंपिक्स हो या 2036 में अगर भारत में ओलंपिक्स होता है वो हो, तो कुल मिलाकर 2 से 3 ओलंपिक्स और अमन भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर फॉर्म अच्छी रही तो क्यूबन रेसलर की तरह 5 से 6 ओलंपिक्स में भी अमन का हमें भारत के लिए प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत खड़े हैं। आप देखकर इनकी सेहत में मत जाना, पतले दुबले लगते हैं लेकिन उठा के पटक देते हैं भाई, बड़े खतरनाक है, है ना, छोरा बड़ा खतरनाक है भाई ये। और ये हंसते नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं है, थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते हैं। लेकिन फिलहाल आज तो अमन कहानी बतानी पड़ेगी इस ब्रॉन्ज मेडल की। जबरदस्त फाइट किया, लाजवाब अपने एक पहले ही ओलंपिक्स में, और सबसे कम उम्र के सिर्फ 21 साल में बच्चा बोला जाता है वैसे, है ना, लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, यू आर ओल्ड एनफ इफ यू आर गुड एनफ यू आर ओल्ड एनफ, मतलब अगर आप अच्छे हो तो आप बड़े हो। कमाल कर दिया, सिर्फ 21 साल की उम्र में इतना जबरदस्त प्रदर्शन पहले ओलंपिक्स में, क्या कहोगे? बस यही कहूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे कह रहे भाई सबसे कम उम्र में वो कर रहे थे, और खुशी हुई। हाँ भाई अभी तो और भी जाना है, कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो 2028 और 2032 का भी टारगेट देखेंगे, 2032 का भी टारगेट देखेंगे भाई, बड़ा खतरनाक आदमी है। और हमें पूरी उम्मीद भी है कि गोल्ड भी लोगे। लेकिन अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल फाइट के बारे में बताओ, क्योंकि ये फाइट ऐसी थी क्योंकि सेमीफाइनल में हारने के बाद कमबैक करना अमन कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। दिमाग में एक बात चल रही होती थी कि सेमीफाइनल में हार गया हूं, अब ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई होती है। आज मतलब फाइनल में पूछने के बाद तो थोड़ा टेंशन कम हो जाती है, लेकिन अब जो सेमीफाइनल में आ रहा था तो रात को भी बहुत कुश्ती में कल क्या रहेगा भाई, देश के लिए मेडल, कुश्ती वालों के प्रेमियों को इतनी वो है भाई, मेडल आएगा कुश्ती में, 5 साल से लगातार मेडल, मतलब 5 ओलंपिक हो लिए लगातार मेडल दे रहे हैं, तो अब की बार भी आना चाहिए, तो मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता था। पर जब मैट पे चढ़ जाते हैं जब, तो बस कुश्ती में फोकस था, बिल्कुल कुश्ती पे फोकस था। लेकिन अमन वजन कम करना, हमने देखा कि 100 ग्राम से भी बहुत कुछ हो सकता है, तो पिछली रात इस मेडल की बाउट से पहले की जो रात थी, कितनी मेहनत वजन पे, क्या नींद आई, किस तरीके से ये रात कटी आप? ये बहुत मतलब रात तो पूरी रात तो प्रैक्टिस जिम में कटी है। अच्छा, मतलब 5 घंटे 2 घंटे पहले, फिर 3 घंटे बाद में, तो मतलब पूरी रात जिम में कटी है, तो वेट लाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ कि 6 जो वैसे ना कहते हैं क्रिकेट में छक्का लगता है, लेकिन छत्रसाल स्टेडियम के पहलवानों ने ओलंपिक में छक्का लगा दिया, 6ठा मेडल है छत्रसाल से, और इनके गुरु से भी बात हुई थी, ललित जी से भी बात हुई थी, सब बहुत खुश है। क्या कमाल है छत्रसाल में, ऐसा क्या है अमन की वहाँ के पहलवान आते हैं तो बिना मेडल लिए जाते नहीं? वहाँ पर तो सुशील पहलवान जी ने जीता था भाई, सब ऐसे सोच के आते हैं भाई हम भी ओलंपिक में मेडल जीतेंगे, मतलब किसी को देख लेना, किसी बच्चे से पूछ लेना, सब ऐसे कहेंगे भाई हम ओलंपिक में गोल्ड जीतेंगे, तो मतलब जो सोच रहती है बच्चों की वो अपने आप वही काम होते रहते हैं। तो चलिए, लेकिन मैं फिलहाल आपको ज्यादा रुकूंगा नहीं, एक बार अगर हमारा मेडल हमारे दर्शकों को दिखा दें, ये है वो ब्रॉन्ज मेडल जो अमन सहरावत ने जीता है, और सबसे युवा सबसे यंग खिलाड़ी है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, सिर्फ 21 साल की उम्र में ओलंपिक मेडल लेने वाले। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, और अब आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे और आपके साथ जश्न मनाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।
अब उस मेडल की बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है जिसने भारत का ओलंपिक्स टैली में खाता खोला। ये एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनसे सबको उम्मीद थी। पिछले ओलंपिक्स में इनके प्रदर्शन की बात करें तो पिस्टल खराब होने की वजह से, पिस्टल मैलफंक्शन की वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन इस बार दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादों के साथ ये पेरिस ओलंपिक्स में उतरी थी और जो कंसिस्टेंसी इनकी रही, जो फोकस इनका रहा, जो डेडिकेशन अपने खेल के प्रति इनकी रही, वो सब बयां कर रहे थे कि मेडल इनकी तरफ से ज़रूर आएगा। मनु भाकर, जी हाँ, भारत को ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में जो सबसे पहला मेडल दिलाया वो मनु भाकर ने दिलाया। इवेंट था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल और इसमें तीसरी पोजीशन मनु भाकर ने प्राप्त की और बड़ी फोकस्ड अपने इस इवेंट और इस कंपटीशन के दौरान वो नज़र आ रही थी। उसके बाद जो अगला मेडल भारत को मिला, भारत की झोली में आया, वो भी शूटिंग से ही था। शूटिंग के मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत को शूटिंग में दूसरा और टैली में भी दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। जगदे फटे नवदे गिल्ली, सुबह गेम्स विलेज, दोपहर नू पोडियम। जगदे फटे आज भैया, मैं बहुत सीरियसली शुरू कर सकता था और दो दिन से मैं कह रहा हूँ इस हार में भी जीत है, इस हार में भी जीत है, लेकिन आज तो जीत ही जीत है। हमारे साथ है यहाँ पर सरबजोत सिंह। और सरबजोत, आ तो चकदे फटे कितना सी यार, मजा आ गया क्या? ए तेरी अब मुझ बताओ, शेरे पंजाब इतने आगे बताओ, ये ब्रॉन्ज मेडल फाइनल से पहले दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि क्वालिफाइंग में थर्ड होके आप गए थे, दूसरी तरफ एक बहुत स्ट्रांग पेयर थी, तो किस तरीके का तैयारी थी, माइंड में क्या चल रहा था आप दोनों के? क्योंकि ये टीम इवेंट है, इंडिविजुअल होते हुए भी टीम है, दोनों में बड़ा कोऑर्डिनेशन हर चीज़ चाहिए थी सरबजोत। हाँ, सुबह जब उठा तो मतलब होते ही फ्यूचर दिखता है हर बार सभी को कि मेडल ये वो पोडियम दिख रहा है मेरे को हर बार। हाँ जी, बट मेरे को हर बार ये होता था कि बस प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रहना, अभी कर जो मतलब जो कर रहा। हाँ जी बिल्कुल, वो चीज़ आप पंजाबी में बात कर सकते हो यार। हाँ जी, मैं अपना शरीर का सारा कुछ मतलब बार बार फ्यूचर जाता सी कि लाइक मेडल मेडल मेडल, बट वो नहीं वधिया होता कदे कदे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील करता है। एंड उस तो बाद फिर हौली हौली फिर मैं उन्हें प्रेजेंट ले के आया, हाँ फिर बढ़िया सी ते हूँ। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अब हिंदी में भी बात करेंगे, पंजाबी जो चेहरे पंजाब के हम सुन ही रहे हैं। लेकिन मैं मनु के साथ शूट करना, क्योंकि वो एक मेडल ले चुकी थी, दूसरा ओलंपिक्स था, एज लग रहा था कि जैसे वो कैप्टन और आपको एक यंगस्टर की तरह वो आपको लीड भी कर रही हैं, तो मनु के शूट साथ शूट करना, मनु डबल ओलंपिक मेडलिस्ट भी हो गई है सरबजोत, आज तक इंडियन ओलंपिक्स के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, तो मनु के शूट साथ शूट करना क्या एक अलग वो था, एक क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ कर रहे थे, मेडल विनर के साथ कर रहे थे, तो एक क्योंकि कल की बात हमने देखा कि सरबजोत जो थे थोड़े से नर्वस थे या फिर परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं थे, बात नहीं की थी, लेकिन क्या मनु के साथ शूट करना फ़ायदेमंद था? काफ़ी नॉर्मल था, बिकॉज हम 2019 से ही कर रहे हैं शूट और मतलब काफ़ी अच्छा भी है, बट हमारी इतनी बातचीत नहीं होती, बट मैचेस के टाइम पे ऐसा होता है कि हाँ मेरी मनु के साथ और हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कोच ने बीच में एक दो बार आपसे बात की, क्या बात की हमारे? वो भी डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है। उसमें ये होता है कि सर जैसे हम शॉट फायर करते हैं 4-5 शॉट के फायर पर, तो प्रेशर को फील करने लग जाते हैं क्योंकि क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद फिर हम मैम आगे बस ये बोलते हैं जस्ट रिलैक्स, नथिंग मच, नेक्स्ट शॉट के लिए अपना शॉट प्रिपरेशन करो, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने फायर कर दिया तो दोबारा तो नहीं आएगा वो शॉट, क्योंकि एक शॉट पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ऐसे ही था कि नेक्स्ट शॉट की प्रिपरेशन करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना, तो वही था, हम इतना प्रेशर नहीं फील किया उसके उनकी बातों के बाद। बिल्कुल, और काफी अच्छा था वो चीज। बहुत जबरदस्त, आखिरी सवाल, एक यहां पर एक मेडल विनिंग जोड़ी, ये जोड़ी अब साथ रहेगी मनु और सरबजोत की, और किस तरीके से ये जोड़ी हम आगे देखेंगे, क्या प्लान है, कुछ है ऐसा प्लान कि ये जोड़ी अब साथ दिखेगी हमें? अभी तो वैसे कोई प्लानिंग नहीं है, बाकी अगर मनु होती तो उससे पूछ लेते हैं। लेकिन आपका प्लान है, आप चाहेंगे मनु के साथ फ्यूचर में भी शूट करना? ऑब्वियसली जैसी रैंकिंग रहेगी उस हिसाब से। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन जो है यहाँ पे मेडल पे भी थोड़ा सा जूम करें, और ये है हमारा दूसरा ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक्स 2024 का, और इसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पेरिस और यहाँ पर आईफिल टावर का जो मेटल है ना, उससे ये खास बनाया गया है, तो मजा आ गया यहाँ पर। शेर पंजाब हमारे सरबजोत सिंह ने जो चकदे फट्टे किए, थैंक यू सो मच सरबजोत, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये जोड़ी ने अभी शुरुआत किया, बहुत सारे मेडल्स हम और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हिंदुस्तान के लिए लाएंगे। थैंक यू। फिर उम्मीद थी शूटिंग से एक और मेडल की,
और वो तीसरा मेडल भी शूटिंग की बदौलत ही भारत की झोली में पेरिस में भारत की टैली में जुड़ा और वो मेडल दिलाया कुशाल ने, स्वप्निल कुशाले ने। कुशाले महाराष्ट्र से आते हैं और कुशाले के बारे में ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये उनका पहला ओलंपिक्स था। साल 2012 में उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। इवेंट था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और उसमें कुशाले ने ठीक 12 साल बाद यानी कि साल 2024 में जब उन्होंने अपने पहले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया तो मेडल के साथ खाता खोला। मेडल था ब्रॉन्ज। और कुशाले के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि कुशाले ने इस इवेंट में पहली बार क्वालिफाई किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय भी हैं। उसके साथ ही क्वालिफाई किया और मेडल भी भारत की झोली में लाया। कोल्हापुरी जगत भारी, कोल्हापुरी मुर्गा जबरदस्त, स्वप्निल कुशाले क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, ब्रॉन्ज मेडल, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में, लाजवाब परफॉर्मेंस शूटर्स का, एक के बाद एक, क्या कहते हैं ना, शूट में ऐसा निशाना लगा रहे हैं कि ठोक दे रहे हैं सामने वाले को। क्या कमाल का प्रदर्शन किया है कुशाल। थोड़ा सा पहले तो ये बताओ कि कल रात को स्वप्निल ड्रीम वाला जो नाम है आपका, कल रात को सपने में क्या देखा था इस फाइनल से? दो तीन बार ऐसे स्लीप डिस्टर्ब होने के बाद उठा भी जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली सोना तो जरूरी है, रेस्ट एंड रिकवरी जरूरी होता है। अच्छा, रात को भी गाने आपने सुने, तो ये कोल्हापुर जगत भारी जो है ये तो आपने साबित कर दिया, कोल्हापुर तो है जगत भारी है। अच्छा, आप बता दीजिए, लेकिन आज के इस फाइनल की बात करें तो फाइनल में आपसे अनाउंस रहे और किस तरीके से अपने आप को अपने तो मैच में रखा, क्योंकि आप पिछड़े हुए थे, कमबैक करना, कैरेक्टर दिखाया, जबरदस्त कैरेक्टर दिखाया, सो अपनी कैसे अपने आप को बनाए रखा रेस में, किस तरीके से, क्योंकि बीच में भी रेस में दौड़ते थे, स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते, प्रैक्टिस बनाते रहते, कैसे इस थोड़ी सी जर्नी शॉर्ट में आप बताएं। पहले तो मैंने स्कोरबोर्ड नहीं देखा था कि कौन कितने रैंक पे है एंड इवन मेरा रैंक क्या है, मेरा स्कोर क्या है, बस मेरा जो मॉनिटर है और मेरे क्या शॉट्स लग रहे हैं उसके ऊपर मैं ध्यान देता गया। और सबसे बड़ी बात कि मैंने मेरे खुद के हार्ट बीट पे चेक किया कि कैसा है, उसको काम रखने का मैंने ट्राई किया जितना हो सके। फिर भी हर एक एथलीट का हार्ट बीट तो बढ़ता ही है, ऐसा नहीं कि किसी का हार्ट बीट बढ़ता या किसी का प्रेशर नहीं आता, सबको ही आता है। एंड उसके वजह से मैंने जितना हो सके उतना ट्राई करके आशू। सबने पूछा होगा, मैं भी पूछूंगा, मनु के मेडल से कितना मनोबल, इंस्पिरेशन या काम हुए आप कि हाँ वी बिलोंग है, ऐसा कैसा लगा? पहले तो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सब्जेक्ट को, लाइक उन्होंने जैसे कहते खाता खोला शूटिंग में एंड हाँ, लाइक उम्मीद से पैदा होती है लाइक हाँ कि इंडिया भी हम जीत सकते हैं हर जगह जाके एंड ओलंपिक्स में भी, एंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है उस चीज़ से, सो वही आई कैप्चर्ड। बिल्कुल, और कोल्हापुरी हो तो जो जीत ही सकते हैं उसमें लेकिन आपकी मदर जो है सरपंच है जी, बात हुई और कि ये गांव से जो आता है वो कहते हैं मेंटली और फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होता है, तो ये बैकग्राउंड का भी फायदा हुआ है? हाँ यार, मम्मी पापा भाई बहन मैं सभी जो है मेरे पीछे काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। एंड ऐसा है कि सरपंच है मतलब इतना में कभी घर जाता नहीं है, जो भी है वो वहाँ पे पापा शूटिंग की वजह से घर जाने को कम हो जाता है, साल में तो मैं पुणे में रहता हूँ एंड वहाँ पे एक भैया है मेरे, तो शुक्रिया तो उनके पास टाइम तो रहता हूँ। चलिए आखिरी दो सवाल, एमएस धोनी का आपने जिक्र किया था, हर कोई आपसे पूछ भी रहा है, मुझे तो मुझसे कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ एमएस धोनी को शूटर की तरह है भाई, स्वप्निल एमएस धोनी की तरह नहीं है, धोनी को शूटर की क्वालिटी चाहिए, लेकिन धोनी ने कैसे आपको इंस्पायर किया या आपको मोटिवेट किया, क्योंकि रेलवेज में होने की वजह से कुछ फायदा हुआ धोनी? जैसे कि कभी वो मैच खेलते देखता हूँ मैं, जब भी उन्होंने मैच खेला और जब भी थोड़ा सा देखा है, तो ऐसा है कि वो जिस कंडीशन में कुछ भी हो काम जैसे रहते हैं तो वो मैंने अलग कर लिया, तरीके से मैंने उसको अप्लाई करने की सोचा एंड
जैसे कि शूटिंग एक ऐसा गेम है कि उसको काम देना बिल्कुल उसमें। लास्ट सवाल, क्या इस मेडल से कुशाल का मनोबल एक बदला हुआ इंसान बन चुका है, क्योंकि नेक्स्ट टूर्नामेंट में नेक्स्ट इवेंट में जब भी जाएंगे तो एक अलग कुशाल जाएगा ओलंपिक मेडलिस्ट, ये और कॉन्फिडेंस देगा, मेडल में चेंजेस होंगे, गोल्ड सिल्वर और बढ़ेंगे इससे, क्योंकि आप वो वाले कुशाल नहीं हो जो आज से 10 दिन पहले यहाँ पर लैंड हुए थे, अब आप यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट बनकर रिटर्न हो, बदल गया कुशाल? देखिए दिन जो होगा वो डिफरेंट डे होता है, सो कांड से कि जैसा है नहीं है, बट हाँ एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हर टाइम जो सीखा यहाँ से वही चीज़ें हर टाइम में अप्लाई करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल, और इसी तरीके से आप अपने सपने भी और हमारे सपने भी पूरे करते रहें। प्लीज़ अगर आप ये मेडल हमारे कैमरे में एक बार दिखा दें जिस तरीके से आपने जीता है, और स्वप्निल कुशाले जो हैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे मेडल हिंदुस्तान के लिए लाने वाले हैं, और ये कोल्हापुरी मुलगा जो है जो ज़बरदस्त है, पूरे हिंदुस्तान का झंडा जो है पूरी दुनिया में फहराने वाला है। थैंक यू। एक मेडल से कितनी सारी उपलब्धियाँ कुशाले ने प्राप्त की हैं उसके बारे में आपने जाना, और इस तरह से मेडल टैली में भारत के पास कुल 6 मेडल आए। अब बात पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के उन खिलाड़ियों की जिन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन देने की कोशिश की लेकिन एक स्थान से चूक गए। कुछ खिलाड़ी एक वजन से चूके, कुछ खिलाड़ी कुछ पॉइंट से चूके, तो कुछ खिलाड़ी एक गेम से चूक गए। जी हाँ, कुल ऐसे 5 खिलाड़ी रहे जिनसे हमें उम्मीद थी कि मेडल पक्के हो सकते हैं, मेडल श्योर शॉट आ सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी मेडल तो नहीं ला पाए, अपने साथ बहुत सारा अनुभव लेकर जा रहे हैं और यही अनुभव अगली बार इन्हें मेडल लाने के लिए मजबूर करेगा। शुरुआत हुई उस खिलाड़ी के साथ जिसने 10 मीटर राइफल इवेंट में पार्टिसिपेट किया, अर्जुन बबूता। अर्जुन बबूता का बहुत शानदार प्रदर्शन चल रहा था, बढ़िया फॉर्म चल रही थी, लेकिन जो लास्ट उन्होंने स्कोर किया वो लोएस्ट था, और उस लोएस्ट स्कोर की वजह से वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए और सीधे 4th नंबर पर उन्होंने फिनिश किया। इसके बाद हमें उम्मीद थी कि कुछ और खिलाड़ी जो हैं अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, और एक ऐसा मैच हुआ मिक्स्ड टीम आर्चरी का जिसमें हम अंकिता भगत और धीरज बोमा देवरा से मेडल की उम्मीद कर रहे थे। आपको बता दें कि ये पहली भारतीय मिक्स्ड आर्चरी टीम की जोड़ी है जिसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की, उसके बाद सेमीफाइनल का मैच हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच भी खेला। याद रखिए कि यहाँ तक अभी आर्चरी मिक्स्ड टीम में कोई खिलाड़ी नहीं पहुँच पाया, और ऐसा कारनामा करने वाले अंकिता और धीरज पहले आर्चरी मिक्स्ड टीम प्लेयर्स बने, लेकिन ये भी मेडल से चूक गए। अपना सेमीफाइनल मुकाबला इन्होंने साउथ कोरियन टीम से हारा जो चैंपियन रही है आर्चरी में, और जब ये ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने गए तो यूएस की टीम ने इन्हें शिकस्त दी और इन्होंने भी 4th फिनिश किया। हार मिली है लेकिन शक्ल पर मुस्कुराहट है मेरे, लेकिन जो हारता है वो हमेशा दुखी जरूर होता है, और इतिहास रचना आसान नहीं होता, और वो भी ओलंपिक्स जैसे मंच पर, और हमारे एथलीट्स एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, और हाल हुआ और सेमीफाइनल तक पहुंचे, मेडल राउंड तक पहुंचे, पहला ऐसे पहले से कभी नहीं हुआ था मिक्स्ड इवेंट में, लेकिन मिक्स्ड इवेंट में जो महिला आर्चर हैं अंकिता वो थोड़ी सी निराश है, और फिलहाल अकेले धीरज हैं उस टीम में से, पूरी टीम यहाँ पर नहीं है। धीरज, निराशा हमको भी हुई है क्योंकि हमें उम्मीद थी कि मेडल आएगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताएं कि सेमीफाइनल और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में कहाँ हमारा निशाना चूक गया? जी, जैसे कि ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स में अप्स एंड डाउन्स बहुत कॉमन रहता है, बिल्कुल, एंड मेन थिंग हम लोग खुद पे कंपेयर जब करेंगे पिछले कुछ टूर्नामेंट्स से, पिछले ओलंपिक्स से भी, 2-3 ओलंपिक्स से भी, लेट्स टेक लंदन, रियो, टोक्यो, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हर इंडियन आर्चर का, जिसमें हम लोग खुद से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए। एंड बाकी जहाँ तक बात रहा कि सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मैच में थोड़ा बहुत एक कदम पीछे रहने की, हम लोग ऑफकोर्स अपना बेस्ट कोशिश की है जिसकी वजह से उधर तक पहुँचे, एंड कुछ कुछ जगह ऐसे छूट गया जहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम पड़ गया प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करने में। बहुत ज़्यादा विंडी था एंड सेम सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ के लिए थे, पर वो थोड़ा सा जो एक कदम उन कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस का थोड़ा ज़्यादा था, और हमें फर्स्ट ओलंपिक से दोनों के लिए, तो थोड़ा सा उधर
एक कदम से रह गया जिसके वजह से एक कदम दूर रह गए हम लोग मेडल के। पर मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग जो परफॉर्मेंस पिछले दो साल से करके आ रहे हैं इस स्टेज में भी हम लोग सेम चीज़ कर पाए, चाहे वो स्कोर वाइज हो शूटिंग वाइज हो, हम लोग सेम कर पाए। एंड इस चीज़ के लिए सिर्फ ये तभी पॉसिबल हुआ जब हम लोग के पास गवर्नमेंट साइड टॉप्स एसोसिएशन का सपोर्ट था, उनके सपोर्ट से ही हम इतना अच्छा कर पाए, मेडल के इतना करीब आ पाए जो कि कभी आज तक हुआ नहीं। एंड हम लोग जैसे कि सब इंडियन से हार कभी नहीं मानेंगे, जीते तो उससे भी सीखते, हार जैसे आज हारे इससे भी सीखेंगे और लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप एक टीम है ना, आर्चरी इंडिविजुअल इवेंट होते हुए भी टीम इवेंट होते हुए भी इंडिविजुअल है। अंकिता क्यों नहीं आई इस इंटरव्यू में, क्या हुआ उनको, आप अकेले क्यों आए हो? जैसे कि हम लोग टीम है एंड फर्स्ट थिंग हारने के बाद सभी को खराब लगता है एंड मुझे मालूम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या बात हुई, क्योंकि मुझे मालूम है उनको बहुत दुख हुआ है, निराश है वो, इसलिए नहीं आए। तो धीरज ने क्या बोला अपने टीम मेट को, क्या हुआ? जी सिर्फ मैं नहीं, जितने भी हम 6 एथलीट्स कोचेस सपोर्ट स्टाफ जितने थे सब ने मैच से पहले भी बहुत, हमेशा कैंप्स में भी बहुत पॉजिटिव स्पिरिट रहता है एंड मैचेस के टाइम भी बहुत पॉजिटिव स्पिरिट रहता है एंड ऑफकोर्स हारने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी सभी को लगता है, जितने भी आर्चरी फैंस है इंडियन आर्चरी है सबको खराब लगता है। एंड जबकि मेन थिंग कल मैचेस है दीपिका दिया और भजन का, तो उधर वही बात हो रहा था कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो आज कंडीशंस चेंज होते रहे वो शेयर कर रहे थे, वो सब हो रहा था। एंड बाकी एज वी आर वन टीम, वी आर वन फैमिली, सो वी ऑलवेज कीप सपोर्टिंग ईच अदर इन गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स। सो वी ऑल आर अ टीम है, हम भी यहाँ पे जर्नलिस्ट जरूर हैं बट वी बैक आवर एथलीट्स, हमारे भारत के खिलाड़ी हैं, ये यंगस्टर्स हैं, इनके साथ हम हैं, हम सीनियर जर्नलिस्ट बन गए, तो आज हमें महसूस होता है कि सब यंगस्टर्स हैं, कितने छोटे हैं और आके हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंडिया है और हम इनको फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ धीरज, कोरियंस इतने अच्छे क्यों हैं, क्या है कोरियंस में ऐसा कि इतने अच्छे? जी फर्स्ट थिंग वो लोग बहुत पहले से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है फ्रॉम बैक 1980s, जिसके वजह से वो लोग अपना टेक्नोलॉजी थिंग्स सारे चीज़ बाकी दुनिया से बहुत अलग रखा है जिसके वजह से। एंड आर्चरी के लिए जो चीज़ें वेदर कंडीशंस जो ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है वो कोरिया में एकदम वैसा ही है जैसे आर्चरी को चाहिए, एंड कंपेयर टू हमारे देश में भी कुछ कुछ जगह में ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ठंडा वगैरह रहता है पर नॉट द होल ही है, उनके लिए हर टाइम ऐसे रहता है। एंड जबकि उनके पास बहुत पहले से वो चीज़ है तो वो लोग बहुत एडवांस्ड है कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि हमारे इंडियन आर्चरी इतना इम्प्रूव हुआ है कि हम लोग के साथ जब भी मैच हो रीसेंट टाइम्स में तो हर कोई कंट्री हमारी तरफ देखता है कि सोचता है कि इंडिया के साथ मैच है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लोग दो बार सोचता है जबकि बहुत पहले नहीं होता था। बिल्कुल, तो रिसेंटली बहुत इम्प्रूव होते आए हम लोग खुद से एंड आई एम श्योर कि ये मेहनत ऐसे ही जारी रहेगा एंड ये इतने बड़ा सीख हमको मिला जिसके वजह से सिर्फ पॉजिटिवली हम लोग बहुत लकी है। बिल्कुल, इस सीख को हम लोग आगे लेके जाएंगे और मेहनत करेंगे और सैक्रिफाइसेस करेंगे जो कि उससे भी सारा मेहनत जारी रहेगा मेरा और सारा टीम का। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं पूछ रहा हूँ, 2008 में साइना नेहवाल आई, आप ही की तरह हम इंटरव्यू कर रहे थे साइना का, और क्या वो खेली, और हमें मालूम था कि इंडिया का बैडमिंटन का युग शुरू होने वाला है, 12 में मेडल सिंधु ने डोमिनेट किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड, आर्चरी में आज आप बिल्कुल, मुझे ऐसा ही याद आ रहा है 2008 में जो साइना नेहवाल ने किया था आज आर्चरी में वो हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं कोरियन डोमिनेशन को हम ओलंपिक्स में भी हरा सकते हैं 28 में 32 में आगे आने वाले 2-3 साल में, क्लोज आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है अगले ओलंपिक्स तक हम जैसे बैडमिंटन में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा वो आर्चरी में भी देखेंगे? देखिए अभी तक अभी नहीं, कुछ साल पहले तक अराउंड
कुछ साल पहले तक माइंड सेट ऐसे रहा कि हमको उनको हराना है, इनको हराना है, पर कुछ सालों से ये माइंड सेट चेंज हुआ है कि हमको खुद से बेहतर बनना है। एंड जब हम खुद पे फोकस करने लगे, सारा इंडियन आर्चरी हम लोग बहुत अच्छा करने लगे स्टेप बाय स्टेप, एंड वो स्टेप एक कदम पीछे तक आए हम लोग। एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ हम सेम माइंडसेट पे जाएंगे कि हम लोग खुद पे फोकस करेंगे, खुद का बेस्ट निकालेंगे, सो दैट वी विल मेक आवर सेल्फ मोर बेटर, मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एल्स, नॉट ओनली कोरियंस बट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, थैंक यू सो मच, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इस परफॉर्मेंस से बहुत उम्मीदें भी हमारी जाग गई हैं और उम्मीदें बढ़ गई हैं और प्रेशर हमारी तरफ से आप पर बना रहेगा, लेकिन आपको इसी तरीके से जीतते रहना और इसी तरीके का परफॉर्मेंस करते रहना। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद आई शूटिंग में वो जोड़ी जिसने एक बार फिर से इतिहास रचा और इनसे भी हम मेडल की उम्मीद कर रहे थे। जी हाँ, महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका स्कीट मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में ये पेरिस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सिर्फ एक पॉइंट से ये ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चाइनीज पेयर को उसका फ़ायदा मिला और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इस इवेंट में जीता। अगर हम महेश्वरी और अनंत जीत की बात करें तो इनका जो स्कीट में टोटल स्कोर था 50 शॉट्स में से 43 था और चाइनीज़ पेयर का जो स्कोर था वो 50 शॉट्स में से 44 था और एक शॉट की वजह से हम एक बार फिर से एक मेडल से चूक गए। ये मेडल ब्रॉन्ज हो सकता था, ये मेडल भारत की झोली में आ सकता था, लेकिन शायद वो दिन खिलाड़ियों का नहीं था। भारत के इन खिलाड़ियों को जो अनुभव मिला है ओलंपिक्स में, उम्मीद करते हैं कि ये अनुभव अब अगले ओलंपिक्स में मेडल में तब्दील होगा। इसके बाद वो मुकाबला जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, ये मुकाबला मनु भाकर का था। मनु भाकर इस मुकाबले तक भारत को ऑलरेडी दो मेडल दिला चुकी थी। पहला मेडल भारत की झोली में टैली में मनु भाकर लेकर आई थी, दूसरा मेडल भी मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह लेकर आए थे और इसलिए ये बहुत फेवरेट चल रही थी। हमें उम्मीद थी कि अपने फेवरेट शूटिंग इवेंट में जो 25 मीटर एयर पिस्टल था उसमें ये मेडल दिलाएंगी, लेकिन ये वहाँ चूक गई। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका दिन ना हो, जब हमारे खिलाड़ियों का दिन ना हो, तो आप फाइनेस्ट ऑफ मार्जिन से भी चूक जाते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ मनु भाकर के साथ। देश की आन पान और शान मनु भाकर इस वक्त हमारे साथ है। बहुत सारी टेक्निकल बातें कर सकते हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक बातें कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सब खड़े हो जाओ और सैल्यूट करो मनु भाकर को। हम सबके तरफ से सैल्यूट है और मैं तो आपका फैन भी हो गया हूँ, तो मैं मेरे दिल में जो था मैं सबसे पहले उसी तरीके से शुरुआत करना चाहता था। शूटिंग की तो मैं बहुत सारी बात करूंगा, लेकिन सैल्यूट है मनु, जो आपने किया है, जो इतिहास आपने रचा है। एक अंग्रेज ने किया था 1900 में, एक अंग्रेज ने, लेकिन हमारे आजाद हिंदुस्तान में कभी भी इंडियन थे, आधे इंडियन और आधे ब्रिटिश। अच्छा हाँ, लेकिन वो आजाद हिंदुस्तान जो है पहली बार किसी को देख रहा है, जो सपना था ना वो पूरा हुआ है कि दो मेडल्स एक ओलंपिक में एक एथलीट, और कहानी जो है सफर जो अभी खत्म नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो इतिहास रचा है, मैं चाहूंगा मेरे जो कैमरा पर्सन होगा इस मेडल को भी दिखाए और मनु इस पर थोड़ा एक्सप्लेन भी करे कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या सोच थी इस टूर्नामेंट इस इवेंट से पहले। मनु, इवेंट से पहले मैं काफ़ी नर्वस थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मेडल का एक्सपेक्ट किया था, बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है। मेरी सारे मैचेस मैंने बहुत ही उम्दा चलाए हैं, तो मैं काफ़ी प्राउड से ही कह सकती हूँ कि मतलब आई डिज़र्व द मेडल, एंड इतने सारे हार्डवर्क के बाद ये मेडल जीतना मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। थैंक यू सो मच, एंड इसी में मेरे कोच का भी बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, जसपाल सर, एंड डेफिनेटली माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स। बिल्कुल, पेरेंट्स से तो हम मिल चुके हैं और जितने भगवान की पूजा मंत्र जपते हैं इनके मदर फादर, वो आपको हम दिखा भी रहे हैं इंडिया टीम में। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगा एक बहुत एक ज़बरदस्त एक कैरेक्टर मुझे मनु का आज देखने को मिला कि मनु सिर्फ एक ज़बरदस्त शूटर भी नहीं है, एक ज़बरदस्त लीडर और कैप्टन भी। जिस तरीके से आपने सरबजोत को लीड किया है इस टीम के कैप्टन, निश्चित तौर पर मिक्स टीम इवेंट था, जिस तरीके से आप शूट कर रहे थे पूरा कॉन्फिडेंस जो था आप ट्रांसफायर कर रहे थे, सबको कॉन्फिडेंस जा रहा है। सर, आई थिंक मिक्स टीम एक दोनों का इवेंट होता है, एंड डेफिनेटली इट वॉज नॉट जस्ट मी, उसके सपोर्ट के बिना मैं ये मेडल नहीं जीत पाती, तो इक्वली ये मेडल उसका भी उतना ही है जितना मेरा है। तो लाइक जॉब सरब जॉब ऑल्सो, ही डिड अ गुड जॉब, एंड स्पेशली द लास्ट शॉट ही सेव द मेडल, सो आई वुड से हम दोनों की ही भागीदारी बराबर की रही है। मिक्स में हम किसी को भी थोड़ा सा भी ऊपर नहीं रख सकते हैं, तो इट वॉज बोथ ऑफ अस।
बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है आपका फेवरेट इवेंट जो है, तीन चार दिन बाद आपका फेवरेट इवेंट है 25 मीटर एयर पिस्टल, सब कहने की कलर स्पोर्ट्स पिस्टल, ये वो पिस्टल भी अलग होती है, उसमें कह रहे हैं कि मनु जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको लेकर आप क्या तैयारी है, क्या कैसे तैयारी करें, क्या सोच रहे हैं? तैयारी काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी मेहनत की है, बट लेट्स सी कैसा जाता है। मैं बस बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं बस कोशिश करती हूँ कि मेरा एफर्ट्स में कोई कमी ना रहे और मैं मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं है, बाकी जो भगवान सही समझे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि मेडल का हैट्रिक भी लग सकता है, और दूसरी बात ये कि जिस दिन हैट्रिक लगेगा, क्या मनु आप अपने कथक का एक स्टेप दिखाएंगे हम सबको कि नहीं दिखाएंगे? अभी तो दिखाएंगे। मुझे कथक नहीं। जी हाँ, लेकिन हम सेलिब्रेट करेंगे और आपके साथ लंबी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी आपका एक इवेंट बचा हुआ है, हम नहीं चाहते कि हम आपको थकाए और बहुत देर बात करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, और थर्ड इवेंट के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। उसके बाद एक और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज हमें तब मिली जब लक्ष्य सेन अपना सेमीफाइनल मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से हार गए। विक्टर एक्सेलसेन और लक्ष्य सेन की अगर बात की जाए तो दोनों एक दूसरे के गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन विक्टर अनुभव में लक्ष्य से बहुत बड़े हैं। 10 साल का अंतर दोनों के बीच है, हाइट का अंतर भी दोनों के बीच है, लेकिन इसी अंतर को और विक्टर एक्सेलसेन ने तब बढ़ाया जब उन्होंने लक्ष्य को हराया। यहाँ से ऐसा लगा कि अब गोल्ड सिल्वर में तो लक्ष्य नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन क्या वो ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में ला पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य सेमीफाइनल तक पहुँचने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन इंडिविजुअल कैटेगरी के पुरुष खिलाड़ी बने थे। इससे पहले कोई बैडमिंटन का पुरुष खिलाड़ी ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक नहीं पहुँचा है, और जिस तरह से हमने लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल का वो मुकाबला देखा जो उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 जोनाथन क्रिस्टी के खिलाफ खेला और कैसे डोमिनेट करते हुए उन्हें हराया, तो सभी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि विक्टर एक्सेलसेन को भी लक्ष्य हराने का मादा रखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ खेल में बेहतर होने से ही नहीं होगा, आपका स्किल सेट अच्छा होने के साथ साथ आपका अनुभव आपके खेल को एक नई दिशा देता है और उसे मेडल तक ले जाता है, और वहाँ पर लक्ष्य थोड़े से छोटे रह गए, लेकिन निराश उन्होंने हमें फिर भी नहीं किया। जब वो ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने आए तो उनका मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से था, और यहां हम उम्मीद कर रहे थे कि लक्ष्य अच्छा खेल दिखाएंगे, जैसे उन्होंने विक्टर को अच्छे से डोमिनेट करके रखा, कि विक्टर को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी कि लक्ष्य वो खिलाड़ी हैं भारत के जो और अनुभव के साथ अगला ओलंपिक्स खेलेंगे तो गोल्ड मेडल जीतने के दावेदार हैं। हमने देखा कैसे जोनाथन क्रिस्टी को इन्होंने हराया है, तो सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि मलेशिया के इस खिलाड़ी को भी लक्ष्य आराम से हरा लेंगे। लेकिन कई बार आप एक ऐसा मैच हार जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप जीतेंगे और उसकी हताशा आपके सर पर हावी होती है, उस हताशा का सामना आपको आगे आने वाले मैचेस में करना पड़ता है, वही कुछ लक्ष्य के चेहरे पर नजर आ रहा था। हालांकि खेलों में ये भी कहा जाता है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, आपको हर दिन नए दिन की तरह लेना है, उस तरह से परफॉर्म करना है, लेकिन वो जो प्रेशर लक्ष्य के ऊपर था, जो विक्टर से उनको हार मिली, उसका प्रेशर हमें मलेशियन ओपोनेंट के सामने भी देखने को मिला। हालांकि शुरुआत मजबूत थी, लीड बना के मार्जिन के साथ लक्ष्य आगे चल रहे थे, लेकिन पहला सेट खत्म होने के साथ साथ तो गेम पूरा पलट गया, और हमने देखा कि कैसे मलेशियन काउंटर पार्ट ने दूसरे और तीसरे सेट में बड़ा कंफर्टेबली लक्ष्य को हरा दिया। लेकिन लक्ष्य से हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का शानदार प्रदर्शन इतनी कम उम्र में उन्होंने दिखाया, ओलंपिक्स में कई उपलब्धियां अपने नाम की, उस प्रदर्शन को, उन उपलब्धियों को दोहराते हुए अपने अनुभव के साथ जो अगला ओलंपिक्स होगा उसमें वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद एक और खिलाड़ी जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, पिछली बार की 49 केजी वेट कैटेगरी की वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू का इवेंट आया। सब उम्मीद कर रहे थे कि क्या मीराबाई चानू इस बार वेट लिफ्टिंग में अपने मेडल के कलर को चेंज करेंगी, क्या वो कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम पोडियम में फिनिश करेंगी, और सभी आश्वस्त थे कि ऐसा होगा, लेकिन 1 किलो भार से मीराबाई चानू चूक गए। मीराबाई चानू ने कुल अपने इवेंट में 199 किलो वजन उठाया, और उनकी काउंटर पार्ट
जिनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, उन्होंने 200 किलोग्राम भार उठाया, यानी कि सिर्फ एक किलो के अंतर से, एक किलो के फासले से मीराबाई चानू को फोर्थ पोजीशन में फिनिश करना पड़ा। लेकिन जब मीराबाई चानू बाद में मीडिया के सामने आई तो उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी का हर दिन दिन हो ऐसा संभव नहीं, और शायद मेरा जिस दिन ये मुकाबला हुआ वो दिन नहीं था और इसलिए मैं फोर्थ पोजीशन पे फिनिश किया मैंने। लेकिन खिलाड़ी के साथ बहुत तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और उन प्रॉब्लम से जूझते हुए भी कई बार आपका जो प्रदर्शन है उसका ग्राफ उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना ऑलरेडी वो दे चुके होते हैं। मीराबाई चानू ने मेंस्ट्रुएशन का जिक्र करते हुए कहा कि वो पीरियड्स के थर्ड डे में थी, इसलिए वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाई। उसके अलावा उन्होंने अपनी इंजरी के बारे में भी भारतवासियों को बताया, भारतवासियों से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे आने वाले खेलों में, आने वाली प्रतियोगिताओं में वो अपना और बेहतर देंगी और भारत के लिए मेडल ज़रूर लेकर आएंगी। सभी को नमस्ते। मैं आज बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस में, और सबको जानते हैं कि प्लेयर के साथ कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो मैं काफ़ी इंजुरी और बहुत सारी चीज़ मैं फेस कर रही थी। सबको पता है रियो में मेरा फर्स्ट ओलंपिक थी, उसमें मुझे क्या हुआ था, कैसा मिस हो गई थी मेरा मेडल हाथ से। तो ऐसे ही हर प्लेयर्स के साथ किस्मत होते हैं कि कभी अच्छा होते हैं कभी बुरा होते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। रियो में मैं फेल हुआ था मेडल हाथ से होते होते, पर उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनी और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में मैंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल पहली बार दिया था। पूरा कोशिश की थी मेरे तरफ से, इस बार भी मैं पूरा मेरी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देके इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए फिर से, पर काफ़ी इंजुरी भी हुआ था। सबको पता है एशियन गेम्स में मेरा क्या हाल हो गई थी, मैं इंजुरी में 4-5 months पूरा रिहैब में चले गई थी, बहुत कम टाइमिंग थी मेरे पास इंजुरी को रिकवर करने के लिए। पर मेरी तरफ से मैं पूरा और मेरे कोच की तरफ पूरा मेरे बेस्टिंग फैमिली की तरफ से मैं कोशिश किया था कि इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे मैं इंडिया के लिए मेडल देने के लिए, पर मेरा किस्मत में नहीं था। आज सबके साथ होते हैं, हर प्लेयर के साथ कुछ ना कुछ लोग होते रहते हैं, तो आज मेरा किस्मत भी ख़राब थी और फीमेल का प्रॉब्लम भी थी। आज मेरा थर्ड डे है, लास्ट ओलंपिक में भी मेरा सेकेंड डे था, आज थर्ड डे है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा बॉडी में फ़र्क तो पड़ती है। पर मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश किया था कि एक मेडल तो जीतने के लिए, पर मेरा हाथ से निकल गई, मेरा किस्मत में आज नहीं था। ये मेडल जीतना हारना ये हमारी साथ रहते हैं और किस्मत में रहते हैं, तो मैं पूरा कोशिश किया ये परफॉर्मेंस में, मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा कोशिश करूँगी इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए, देने के लिए, और मेरी तरफ से मैं हर टाइम कोशिश करते रहूँगी। बस इस बार मैं मेडल नहीं दे पाई, इसके लिए सबको माफ़ मांगना चाहती हूँ कि मैं मेडल नहीं दे पाया, पर मैं आने वाली हर कॉम्पिटिशन में इससे भी ज़्यादा और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी। फिर आया रेसलिंग का मुकाबला, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में जो लास्ट के कुछ दिन रह जाते हैं उसमें रेसलिंग के मुकाबले शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि निशा दहिया ने शानदार परफॉर्मेंस अपने पहले ही मैच में दिखाई, लेकिन उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था जिस वजह से उन्हें गेम से, पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। अगले दिन विनेश फोगाट मैदान में आई, 53 kg भार वर्ग में वो खेलती हैं, लेकिन इस बार क्योंकि 53 kg वेट कैटेगरी में अंतिम पंघाल पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, तो उनके सामने चुनौती थी कि वो 57 kg के लिए ओलंपिक्स में क्वालिफाई करें या 50 kg के लिए। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो 50 kg वेट कैटेगरी फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। उसके लिए वजन घटाने की जद्दोजहद शुरू हुई, क्योंकि नी इंजरी से वो जूझी हैं। हमने देखा था किस तरह से 2016 के रियो ओलंपिक्स में उन्हें नी इंजरी हो गई थी, उसके बाद साल 2023 में भी उन्हें सेम नी में इंजरी हो गई थी, उसको
उससे रिकवर हुई, रिहैब किया, उसके बाद वज़न घटाया और अपनी ट्रेनिंग शुरू की, और उस ट्रेनिंग की बदौलत और उन उपलब्धियों के बदौलत और उस ज़िद्दीपन की बदौलत उन्हें 50 kg में अपना क्वालिफिकेशन लिया, ओलंपिक्स में आई। और जब उनका पहला मुकाबला हुआ जापान की खिलाड़ी सुसाकी के साथ, तो उस वक्त सुसाकी टॉप फेवरेट मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह का विनेश का खेल रहा, प्रदर्शन रहा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्यों रेसलिंग की स्टार है, वो क्यों सभी की फेवरेट हैं। 6 मिनट का जो पूरा मैच था उसमें 5.5 मिनट विनेश बिल्कुल शांत रही, अपने स्टाइल से अलग डिफेंसिव होती हुई नजर आई, डिफेंसिव उन्होंने खेल खेला, विनेश का अटैकिंग स्टाइल है। लेकिन जैसे ही वो लास्ट के 30 सेकंड आए, जब खेल ख़त्म होने वाला था, आपने देखा कि विनेश के बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, विनेश की एनर्जी चेंज हुई, और लास्ट के 20 सेकंड में विनेश ने सुसाकी पर अटैक किया, अटैक करके उनको टचडाउन कराया और 2 पॉइंट्स अपनी झोली में लिए, और उसके साथ ही उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया। 1 पॉइंट उन्हें टेक्निकली राइट होने का भी मिला, क्योंकि सुसाकी ने विनेश के उस दाव को चैलेंज किया था, और क्योंकि विनेश वो पॉइंट जीत चुकी थी, वो चैलेंज जीत चुकी थी, तो 3-2 से उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता। दूसरा मुकाबला उनका यूक्रेन के खिलाड़ी के साथ हुआ, वो भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार जीत विनेश के लिए रही। तीसरा मुकाबला भी विनेश ने खेला और उसमें भी विनेश का शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला। और इसके साथ ही रात को बहुत सुकून भारतवासियों को हुआ जब ये कंफर्म हो गया कि अब अगले दिन का मुकाबला विनेश यूएसए के खिलाड़ी से गोल्ड या सिल्वर मेडल के लिए खेलेंगी। तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि हमारा जो गोल्ड या सिल्वर मेडल है वो श्योर श्योर पक्का है, यानी कि एक मेडल तो पक्का है। अगर यूएसए के खिलाड़ी से अगले दिन का खेल विनेश जीतती तो गोल्ड मेडल मिलता, हारती तो सिल्वर मेडल मिलता। लेकिन अगली सुबह बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आई, लगभग 10-11 बजे के करीब ये खबर भारत को मिली कि विनेश डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं पेरिस ओलंपिक्स से, और डिस्क्वालिफिकेशन का कारण वो बढ़ा हुआ 100 ग्राम का वज़न। क्योंकि इस बार के ओलंपिक्स में नियम ये है कि 2 दिन बाउट हो रही है एक खिलाड़ी की, पहले दिन राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 8 और राउंड ऑफ 4 के मुकाबले, यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मुकाबले, और दूसरे दिन फाइनल का मुकाबला हो रहा है। तो ऐसे में हर खिलाड़ी का वजन दूसरे दिन भी होगा, चाहे वो फाइनल का मुकाबला खेले या ब्रॉन्ज मेडल के लिए रैपिचेज मैच ही क्यों ना खेले। और जब दूसरे दिन सुबह पेरिस के समय के मुताबिक 7:30 बजे वेट हुआ, तो उसमें विनेश 100 ग्राम ज़्यादा पाई गई अपनी वेट कैटेगरी में, और इस वजह से उन्हें पूरे इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है उसके नियमों के मुताबिक उनको रैंकिंग भी आखिरी मिली, और यही कारण था कि सबसे बड़ा सदमा ना सिर्फ विनेश को बल्कि सभी भारतवासियों को लगा कि हम लोग तो गोल्ड या सिल्वर में से कोई मेडल जीतने वाले थे, लेकिन अब मेडल से ही चूक गए हैं। और उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई, पता चला कि रात भर विनेश ने अपने वज़न को कम करने के लिए ट्रेनिंग की, रनिंग की, स्किपिंग की, अगले दिन सुबह जल्दी उठ के वो जिम भी गई, सोना बाद भी लिया, लेकिन उसके बावजूद उनका वज़न नहीं कम हुआ। बाद में ये भी पता चला कि बहुत ही सीवियर मेजर्स भी उठाए गए हैं, उनके बाल काटे गए, उनका जो कलर है जिसमें वज़न होता है उसको छोटा किया गया, उसको शॉर्ट किया गया, काट के खून भी निकाला गया, लेकिन वो 100 ग्राम वज़न कम ना होने की वजह से उन्हें इस इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जिस खिलाड़ी को वो सेमीफाइनल हरा के आई थी, क्यूबन रेसलर, उसने यूएसए के रेसलर के साथ फाइनल मैच जीता और यूएसए को गोल्ड मेडल मिला, और इसी के साथ भारत की मेडल की उम्मीद ख़त्म हो गई। लेकिन अपने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर विनेश ने ओलंपिक्स एसोसिएशन से दरख्वास्त की कि वो रिकंसिडर करें और उनको फाइनल मैच खेलने दें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, फाइनल मुकाबला पहले ही हो चुका था। उसके बाद उन्होंने दूसरा कदम उठाया, वो गई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में, ये वो अदालत है जहां खेलों से जुड़े मामले जाते हैं,
वहां उन्होंने अपील की। विनेश की अपील को एक्सेप्ट किया गया। विनेश की तरफ से ये अपील की गई कि कम से कम उन्हें सिल्वर मेडल तो मिले, एक जॉइंट सिल्वर मेडल की मांग उनकी तरफ से की गई। कोर्ट ने बोला कि आप अपना वकील चुने, वकील चुनने के लिए वक्त दिया। भारत सरकार की तरफ से हरीश सालवे विनेश फोगाट के लॉयर बने, बहुत अनुभवी वकील हैं। उन्होंने विनेश के बिहाफ पर दलीलें कोर्ट में रखी और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ओलंपिक्स खत्म होने से पहले फैसला सुना दिया जाएगा। अब उसी फैसले का इंतजार है कि क्या जो अपील विनेश ने कोर्ट में सीएस में दायर की थी वो मानी जाती है या खारिज की जाती है, क्या विनेश के फेवर में फैसला आता है या विनेश के अगेंस्ट फैसला आता है। अगर विनेश के फेवर में ये फैसला आएगा तो भारत को एक और यानी कि सिल्वर मेडल मिलेगा और भारत की मेडल टैली में जो मेडल्स की संख्या है वो 6 से बढ़कर 7 हो जाएगी, जिसमें 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल होंगे। अगर ये फैसला विनेश की अपील के खिलाफ आता है तो भारत की मेडल टैली में मेडल की संख्या 6 ही रहेगी।